WTC फाइनल में अश्विन को भारतीय प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। टीम इंडिया के इस फैसले से कई दिग्गज हैरान भी हुए थे और कई लोगों का मानना था कि भारतीय टीम को फाइनल में मिली हार की असली वजह अश्विन को ना खिलाना है। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट करके ये कहा था कि रविचंद्रन अश्विन को टीम इंडिया को खिलाना चाहिए था। हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार को रविचंद्रन अश्विन ने अपना इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में रविचंद्रन अश्विन ने फाइनल में न खेलने के ऊपर अपनी बात कही है। अश्विन ने कहा, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, हमने अभी फाइनल खेला है, मैं फाइनल खेलना पसंद करता, यही नहीं मैंने पिछले फाइनल में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और 4 विकेट चटकाए थे। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने फॉरेन कंट्रीज में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के बात कही। उन्होंने कहा, 2018-19 के बाद से विदेशों में मेरी गेंदबाजी शानदार रही और मैं टीम के लिए मैच जिताने में कामयाब रहा। मैं इसे कप्तान या कोच के रूप में देख रहा हूं और मैं सिर्फ उनके बचाव में बात कर सकता हूं। इसलिए पिछली बार जब हम इंग्लैंड गए थे तो टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी। उन्हें लगा होगा कि इंग्लैंड में 4 पेसर्स और 1 स्पिनर का कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। फाइनल में भी उन्होंने यही सोचा होगा। समस्या एक स्पिनर को खिलाने की नहीं है, ये चौथी पारी की है। चौथी पारी टेस्ट मैच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और हमारे लिए इतने रन बनाने में सक्षम होना ताकि स्पिनर्स खेल में आ सकें, ये पूरी तरह से मानसिकता पर निर्भर करता है। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने थोड़ा अफसोस भी जताया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, कल जब मैं क्रिकेट को अलविदा कहूंगा तो मुझे अफसोस होगा कि अच्छा बल्लेबाज होने के बाद भी मुझे गेंदबाज के तौर पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि गेंदबाज और बल्लेबाज से अलग अलग बर्ताव किया जाता है। इस धारणा से मैंने लगातार लड़ने की कोशिश की है, लेकिन गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए अलग अलग पैमाने हैं और अलग अलग तरीके भी। दरअसल रविचंद्रन अश्विन से एक सवाल किया गया था कि प्लेइंग 11 में बदलाव और परिस्थिति को देखते हुए बल्लेबाजों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है या फिर सिर्फ स्पिनर्स और गेंदबाजों के लिए ऐसा नियम है। इस सवाल पर रविचंद्रन अश्विन ने रिएक्ट करते हुए खुद को गेंदबाज होने पर अफसोस जताया था। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट जगत की खबरें पाने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना न भूलें।